हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडीसी बाय ब्रेन रूट सीरीज एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, राइट? अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और बहुत कुछ। ओके, सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। इंटरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ के ही लगता है कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एंड इज पंक्चुएटेड एट द एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में हम इसमें क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। ये तो सब आप अभी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो एग्जाम्पल यहाँ पर है, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। और अगर हम इसका क्वेश्चन बना दें तो डोंट यू गो टू स्कूल रेगुलरली? ओके, सो ये क्या है? एक क्वेश्चन है, क्या तुम रेगुलरली स्कूल नहीं जाते हो? सो इस तरह से बनते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो यहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है आपको, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना यूजिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड एक्सचेंज आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन। सो हम क्वेश्चंस क्यों पूछते हैं बच्चों? हम क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ताकि हम लोगों से इंटरैक्ट कर पाएँ, बात कर पाएँ, क्योंकि हम एक दूसरे के बारे में पूछेंगे तभी हमें पता चलेगा, हम अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाएँ। ओके, सो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है और इसी के थ्रू पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं। ओके, व्हेन द वर्ब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, जब वर्ब दो वर्ड से बनी होती है, रिप्लेस द फर्स्ट वर्ड बिफोर द सब्जेक्ट। सो हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है फर्स्ट वर्ड को बिफोर द सब्जेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। चलिए मैं वो आपको आगे बताती हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं आपको ये भी जानना ज़रूरी है। सो व्हाट क्यों यूज़ होता है बच्चों? हम क्यों कहते हैं व्हाट इज़ योर नेम फॉर आस्किंग अबाउट थिंग्स और एक्शंस, जब हमें एक्शन और थिंग्स का पूछना होता है किसी से। Where, जब हमें किसी से जगह के बारे में पूछना होता है। Which, for asking about a specific thing, जब हमें एक specific thing या किसी इंसान का, from a number of things or people, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारी चीज़ों में हमें किसी specific चीज़ या person का पता करना हो तब हम पूछते हैं which। Why, जब हम किसी चीज़ का cause जानना चाहते हैं, कारण जानना चाहते हैं। When, जब हम टाइम के बारे में जानना चाहते हैं। हु, जब हम लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। हु आर यू? ओके, तो अब अगर मैं, आप मुझसे पूछेंगे हु आर यू, तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे हु। एंड हाउ, जब हम ये जानना चाहते हैं अबाउट थिंग्स और एक्शन कि ये काम कैसे हुआ। ओके, सो इस तरह से हम इन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ओके, और आपको ये चीज़ लर्न करनी चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड कब यूज़ होगा। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंटरोगेटिव। हमें इन सेंटेंसेस को क्या बनाना है बच्चों? इंटरोगेटिव बनाना है। द स्नेक वॉज डेंजरस। सो अब आपको जो इंटरप्रिटेशन में बताया था कि अगर वर्ब दी हुई हो, अगर वर्ब दो शब्दों से बनी हुई हो, ओके, तो वहाँ पर पहले वर्ड को हम सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। लेकिन अगर वर्ब एक ही दी हुई हो, जैसे द स्नेक वॉज डेंजरस, यहाँ पर वॉज इज़ द वर्ब। ओके, सो आप इसको सब्जेक्ट से पहले रख लेंगे। ओके, सो वॉज द स्नेक डेंजरस। ओके, एंड नेवर फॉरगेट टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। शी हैज़ टू सिस्टर्स। सो उसकी दो बहनें हैं। अब हम पूछ सकते हैं कितनी सिस्टर्स हैं, हाउ मैनी सिस्टर्स शी हैज़। ओके, इस तरह से
द वर्कर्स वर फेथफुल टू द कंपनी. सो अब ये वर यहाँ पर है, वर को हम सबसे पहले ले जाएंगे. सो हम क्या लिखेंगे, वर द वर्कर्स फेथफुल टू द कंपनी. ओके, दे आर एट द बुक फेयर, वो बुक फेयर पर हैं. अब हम क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, वो कहाँ हैं. ओके, सो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वेयर, अब हमें जगह का पता करना है, वेयर आर दे, वो कहाँ हैं. ओके, शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर ऑनेस्टी, वो किसके लिए वो रिवॉर्ड होगी, रिवॉर्डेड होगी. आई एम स्टार्टिंग विथ पॉइंट फाइव, शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर ऑनेस्टी. सो वाई, हमें कॉज पूछना है, हमें यहाँ पर पता तो चल गया है दैट शी विल बी रिवॉर्डेड फॉर हर ऑनेस्टी, लेकिन हम कॉज पूछ रहे हैं, वाई विल बी शी why will be she rewarded, she will be rewarded for her honesty. Okay, somebody is knocking at the door, koi knock kar raha hai, to hum karenge who is knocking at the door, kyunki hame kiska pata karna hai, kisi person ka pata karna hai, right? So who is knocking at the door. गौरव इज गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहा है वो, स्कूल. कहाँ जा रहा है, प्लेस का, वेयर इज गौरव गोइंग. ओके, मिस लीवा टीचेस अस इंग्लिश, सो मिस लीवा हमें इंग्लिश पढ़ाती है. सो डस मिस ईवा teach us English, या फिर which subject Miss Leva teaches us. Okay, और which sub, I'm starting with point 8. Miss Eva teaches us English. So does Miss Eva teaches teach us English, या फिर हम कह सकते हैं that who does teach us English. Okay, so I am fine. So इसका question बनेगा how are you, हम पूछते हैं ना how are you. Okay, my birthday is on 24 July. So इसका question बनेगा when, क्योंकि हम time का पूछ रहे हैं, when is your बर्थडे, राइट. सो इस तरह से हम इन्हें इंटरोगेटिव में चेंज कर सकते हैं. हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड किस क्वेश्चन के लिए हम पूछ सकते हैं, राइट. चलिए आगे चलते हैं, चेंज दीज सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. सो माई मॉम मेड अ सैंडविच फॉर लंच. सो वॉट did my mom make for lunch, मेरी मामा ने लंच के लिए क्या बनाया है, what did my mom make for lunch. Is there an extra blanket I can use, assertive में बनाना है. So I can use an extra blanket. Okay, so याद रखना है assertive में full stop आएगा और interrogative में आप question mark लगाएंगे. Thanksgiving is celebrated in November. So when, यहां पे लिखेंगे when is Thanksgiving celebrated.
Okay, when is Thanksgiving celebrated? Okay, so what time does the movie start? The movie start at 6 p.m. Okay, have dinosaurs become extinct? अब हमें इसे assertive में बनाना है, तो dinosaurs इसको हम capital कर देंगे, have become extinct. Okay, Tom and Jerry are best friends, so are को यहाँ से हटा के आप यहाँ लिख दोगे are Tom and Jerry best friends, और ये assertive है तो यहाँ पे full stop आ जाएगा, right? सो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस करके भी हम इजीली इंटरोगेटिव से असर्टिव, असर्टिव से नेगेटिव, ओके, असर्टिव से इंटरोगेटिव इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं. अब हमें ये बनाना है असर्टिव में, व्हेन डिड दे स्टार्ट बिल्डिंग दिस हाउस? दे स्टार्टेड, डिड यहाँ से हट जाएगा, दे स्टार्टेड बिल्डिंग दिस हाउस बिफोर 1 year, right? So are you getting me what I am writing here? They started क्यों? क्योंकि हमने वहां से did हटा दिया. Past tense में अगर हम assertive sentence बना रहे हैं तो verb की second form हम use करते हैं. My computer is working very fast. So is your computer working fast? Is your computer working fast? My computer is working very fast. Okay, so ये exercise भी हमारी complete होती है. And please do this exercise, rewrite all these sentences as directed in your notebook, okay? So आपको easily तब समझ में आ जाएगा. Now this is provocation exercise. Now write some interrogative sentences on your own. आपको अपने आप बनाने हैं interrogative sentences, okay? According to the given subject. Write an interrogative sentence about pizza. Pizza के बारे में आपको interrogative sentence लिखना है. So क्या बन सकता है बच्चों? Which पिज्जा टॉपिंग? आप सबको पिज्जा तो पसंद होगा ना, पसंद है सबको पिज्जा? चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, विच पिज्जा टॉपिंग डू यू लाइक द मोस्ट? ओके, नाउ राइट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस अबाउट रिसेस. जो आपके स्कूल में रिसेस होता है जब लंच ब्रेक होता है, सो आप क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, वॉट What do you have for your What do you have in your tiffin box? Right? Write an interrogative sentence about a toy. Okay? So, टॉय के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? डू यू हैव अ टेडी बियर? डू यू हैव अ टेडी बियर? ओके, सो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हो किसी भी टॉपिक पे. ओके, सो अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए यू कैन आस्क क्वेश्चंस एट योर होम, एट योर स्कूल. ओके, सो इससे आपकी इंटरेक्शंस होंगी लोगों के साथ, वो आपको समझेंगे, आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे और आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी इम्प्रूव होंगे. ओके, और आपको ये भी पता चलता चला जाएगा कि किस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करना है. राइट, नाउ दिस इज अ टॉपिक ऑफ कॉलोकेशन फ्रॉम योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज. ओके, सो
सो क्या होता है बच्चों कोलोकेशन? अ कोलोकेशन इज अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है टू और मोर वर्ड्स का, जो ज़्यादातर साथ लिखे जाते हैं. ओके, हमें आदत होती है उन वर्ड्स को साथ में देखने की. जैसे कि वी कैन से डू एक्सरसाइज नॉट मेक एक्सरसाइज बिकॉज इट डज नॉट साउंड राइट, क्योंकि ये सही नहीं लगता. सो बहुत ज़्यादा वो एक साथ लिखे जाते हैं बिकॉज एक तो वो सुनने में भी ठीक लगते हैं और हम भी उन्हें बहुत टाइम से एक साथ लिखते और सुनते आ रहे हैं. दे कैन बी मेड अप ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्ड्स सच एज वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. देयर आर नो रूल्स फॉर कोलोकेशंस. ओके, चलिए आगे चलते हैं. राइट द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन एम्प्टी स्पेस टू मेक करेक्ट कोलोकेशंस. सो डैश होम, क्या होम? सो डैश होम, गो होम कहते हैं ना, गो होम. ओके, वॉच टीवी, वॉच टीवी. लिसन टू म्यूजिक. ओके, डैश द क्लोथ्स, बाय द क्लोथ्स. ओके, सो हैव डिनर, डिनर कर लो, उसको क्या कहते हैं? हैव डिनर. डैश द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री. हैप्पी, सो वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कहते हैं ना. ब्रीज, प्लेजेंट ब्रीज, राइट. चलो, अ शावर, टेक अ शावर, शाइनिंग ब्राइटली. ओके, सो इस तरह से ये कोलोकेशंस होती हैं, वॉच टीवी, गो होम, डू द लॉन्ड्री, बिकॉज ये सुनने में भी बहुत सही लगती हैं और हमें हैबिट है इन वर्ड्स को एक साथ यूज़ करने की. सो ये होते हैं कोलोकेशन वर्ड्स. ओके, सो बी एक्सरसाइज चिल्ड्रेन, मैच द वर्ड्स इन बॉक्स ए टू दोज इन बॉक्स बी टू फॉर्म द मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस. आपको क्या करना है? मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस बनानी है. ओके, बॉक्स ए और बॉक्स बी के वर्ड्स को मैच करके. ओके, सो आई विल डू इट फॉर यू. बॉक्स बी के आगे ही मैं बॉक्स ए के वर्ड्स को लिख दूंगी. ओके, सो टेक अ ब्रेक, मेक अ मिस्टेक, कट द केक, बाय अ टिकट, विन अ मैच, बीट अ टीम, टैकल द प्रॉब्लम एंड प्लेस एन ऑर्डर. ओके, सो ये है हमारी मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस, बिकॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम ज़्यादातर साथ ही लिखते हैं और साउंड वाइज भी ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होते हैं. Now we have C exercise here. Choose words from the box to complete this passage. Okay? So, यहाँ पर a dash breeze blew all evening. Pleasant. Okay? But there was only a partly drizzle at night. Next morning it was dark cloudy. Okay, and now student I want कि ये जो fill in the blanks यहाँ पर चार रह गए हैं, I want you to do in your homework. Okay, so you will put right collocation in this paragraph. Okay, so I hope that now you are aware what is collocations. Thanks for watching. Have a nice day.